एक बार आपके पूरा वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपके टॉपिक है मुगल कालीन कला व साहित्य, तो इसमें सबसे पहले स्थापत्य और चित्रकला जो है इनको एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना अपनी अपनी नोटबुक में। तो मुगलों का जो स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है, जो भी इनका इमारतें बागे मकबरे, तो ये मुगलों का स्थापत्य तुर्की ईरानी और भारतीय स्थापत्य का क्या था, मिश्रण था। सबसे पहले बाबर, भारत में मुगल वंश की स्थापना की है बाबर ने 1526 से 1530, ये बाबर का समय रहा है। तो बाबर को बाग लगवाने का बहुत शौक था, इसलिए बाबर को उपवनों का राजकुमार भी कहा गया है। बाबर ने आगरा में आराम बाग या कौन सा बाग लगवाया, नूर अफगन बाग। तो बाबर ने आगरा में लगवाया था आराम बाग या नूर अफगन बाग। तो स्टार्टिंग में बाबर को इसी में दफनाया गया था, पर बाबर ने मरने से पहले इच्छा व्यक्त की थी कि उसको काबुल ले जाके दफनाया जाए, तो बाद में बाबर को काबुल में ले जाके दफना दिया गया। बाबर ने या मुगलों ने जो बाग लगवाए हैं, जो भी गार्डन्स हैं मुगलों के, ये एक हश्म ए बहिश्त पद्धति होती है, इसके आधार पे लगवाए हैं। हश्म ए बहिश्त का अर्थ क्या है, देखो कुरान के अंदर लिखा है कि जन्नत में तस्नीम नामक एक पानी का झरना है, तो इस पानी के झरने से पतली पतली क्या निकाली गई है, नहरें। आप चाहे ताजमहल देख लो, उसके आगे भी पानी की क्या निकाली गई है, नहरें। तो इसको बोलते हैं हश्म ए बहिश्त। तो मुगलों ने जो बाग लगवाए हैं वो हश्म ए बहिश्त पद्धति के आधार पे लगवाए हैं। इसके अलावा बाबर के द्वारा धौलपुर के अंदर नीलोफर बाग का भी निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट देखो, बाबर ने रुहेलखंड है उत्तर प्रदेश में, इसकी जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। पानीपत है हरियाणा में, यहां ईंटों की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये भारत में ईंटों की बनी सबसे प्राचीन मस्जिद है, वरना मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का ही प्रयोग होता था। ईंटों की बनी सबसे प्राचीन मस्जिद है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। बाबर का एक सेना नायक हुआ है मीर बाकी, तो मीर बाकी ने अयोध्या की कौन सी मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मस्जिद। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना, 1530 से लेकर 40 तक रहा, बीच में शेरशाह सूरी आया, 1555 में पुनः बना, 56 में मृत्यु हुई। तो हुमायूं ने 1534 के अंदर दिल्ली के अंदर एक नगर बसाया, इस नगर का नाम था दीन ए पना। तो दीन ए पना का अर्थ होता है धर्म की शरण स्थली। तो इस दीन ए पना नगर के अंदर पुस्तकालय था एक शेर मंडल, इस शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना, 1556 से लेकर 1605, यह समय रहा है अकबर का। तो अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत जो है वो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है, हालांकि इसके निर्माण में अकबर का कोई भी योगदान नहीं है। तो हुमायूं का जो मकबरा है, इसका निर्माण कराया था अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम, हुमायूं की एक पत्नी थी हाजी बेगम। तो इसका निर्माण कराया ईरान के वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास की देखरेख में, ईरान का वास्तुकार हुआ है मीरक मिर्जा ग्यास, इसकी देखरेख में इसका निर्माण कराया। तो हुमायूं के मकबरे की विशेषता है कि यह मकबरा चार बाग शैली में निर्मित है, चार कोनों पे चार बाग हैं, बीच में स्थित है हुमायूं का मकबरा। मुगल काल में संगमरमर का पहला प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ है। इस मकबरे में भी जो केवल यह दोहरा गुंबद है, यही संगमरमर से निर्मित है, बाकी पूरी इमारत यह किस पत्थर से निर्मित है, लाल पत्थर से। अकबर की धायमा थी माहम अनगा, तो माहम अनगा का बेटा था अधम खां, अकबर के द्वारा ही अधम खां की हत्या करवाई गई है। तो माहम अनगा ने अपने पुत्र अधम खां का मकबरा बनवाया था मेहरोली, दिल्ली के निकट है मेहरोली। इस मकबरे को बोलते हैं भूल भुलैया, इसी में दफनाया गया है अधम खां, इसकी मां माहम अनगा को। मेहरोली का जो नाम है यह प्रतिहार शासक मिहिर भोज के नाम पर रखा गया है। अकबर ने कासिम खां की देखरेख में आगरा और लाहौर के दुर्ग बनवाए हैं। आगरा दुर्ग के अंदर बनवाया था दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल। इसके अलावा अकबर ने अटक दुर्ग, ये पाकिस्तान में है, इलाहाबाद दुर्ग और अजमेर स्थित दौलत खाने का भी निर्माण कराया है। तो अकबर ने जितने भी दुर्ग बनवाए हैं उनमें सबसे बड़ा जो दुर्ग है कौन सा दुर्ग है,
इलाहाबाद का, अजमेर का जो दौलत खाना है, इसी दौलत खाने के अंदर 1837 में अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया, तो इसी को बोलने लगे बाद में मैगजीन दुर्ग। 1569-70 में अकबर ने बहाउद्दीन नामक एक वास्तुकार था, इस बहाउद्दीन को फतेहपुर सीकरी के निर्माण की जिम्मेदारी दी। आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। एक ईसाई संत हुए फादर मोन्सरोत, इन्होंने पूरी फतेहपुर सीकरी का निर्माण होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अब बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में कई इमारतें बनवाई हैं, जामा मस्जिद, लाल पत्थर से निर्मित है ये मस्जिद, और इस मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा गया है। फर्ग्यूसन ने इसको पत्थरों में रुमानी कथा कहा था। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, तो अकबर ने तो इस मकबरे का निर्माण लाल पत्थर से करवाया है, लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने इसके कुछ भाग को तुड़वाकर किससे निर्मित करवा दिया, संगमरमर से। इस्लाम खां का मकबरा है, तो इस्लाम खां के मकबरे में सबसे पहले वर्गाकार मेहराब का प्रयोग हुआ है। मेहराब होती है एक प्रकार से तोरण द्वार, तो वर्गाकार मेहराब का पहला प्रयोग इस्लाम खां के मकबरे में हुआ है। जोधाबाई का महल, यह फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी आवासीय यानी रहने लायक इमारत है, और जोधाबाई का जो महल है इसका निर्माण राजस्थान और गुजरात यहां के हिंदू कारीगरों के द्वारा किया गया। इसके अलावा है तुर्की सुल्ताना की कोठी, तो तुर्की सुल्ताना की जो कोठी थी यह अकबर की पहली पत्नी है रुकैया बेगम, उस रुकैया बेगम का महल था। पर्सी ब्राउन ने अपनी बुक लिखी है इंडियन आर्किटेक्चर, तो उसमें पर्सी ब्राउन ने इस तुर्की सुल्ताना की कोठी को मुगल स्थापत्य का क्या बताया है, रत्न कहा है। मरियम महल है, तो अकबर की माता हमीदा बानो का महल था, हमीदा बानो को उपाधि दी गई है मरियम मक्कानी की। तो मरियम महल में अकबर ने हिंदू देवी देवताओं की चित्र बनवाए थे, औरंगजेब ने इनको चूने से पुतवा दिया था, इसका उल्लेख किया है इटली के यात्री मनुची ने। तो जो मरियम महल है यह अकबर की माता हमीदा बानो का महल था, इसमें अकबर ने हिंदू देवी देवताओं की चित्र बनवाए, औरंगजेब ने चूने से पुतवा दिया, इसका उल्लेख किया है इटली के यात्री मनुची ने। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, तो यह एक पिरामिड की आकृति की संरचना है, 5 मंजिला है, नीचे वाली इमारत में है 48 स्तंभ और ऊपर वाली इमारत में कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ। इसके अलावा है हिरण मीनार, तो अकबर के एक हाथी का नाम था हिरण, तो अकबर ने अपने हाथी हिरण की स्मृति में 80 फीट ऊंची इस मीनार का क्या करवाया, निर्माण। इबादत खाना है, तो इबादत खाने का निर्माण कराया 1575 में इस्लाम धर्म पे वाद विवाद करने के लिए, 78 में इसको सभी धर्मों के लिए खोला गया। तो राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले हैं दादू दयाल, इन्होंने इस इबादत खाने में जाकर मुलाकात भी की थी किससे, अकबर से। इसके अलावा 2 मंजिला बिरबल महल है, अकबर ने 1572-73 में विजय प्राप्त की थी गुजरात पर, और अकबर ने बहुत ही तेजी से जीता था गुजरात को, बताते हैं कि 450 मील की यात्रा कुल 9 दिन में तय की। तो इस विजय की स्मृति को अकबर संजो के रखना चाहता था, इसीलिए 1601-02 में बनवाया बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का अर्थ होता है गेट ऑफ विक्ट्री, तो जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है बुलंद दरवाजा, और भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर के दुर्ग को क्या बोलते हैं, लोहागढ़, तो उसके फतेहपुर से भी यह दरवाजा साफ दिखाई देता है। स्मिथ है विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने फतेहपुर सीकरी को पत्थरों में ढाला गया रोमांस कहा है। फर्ग्यूसन ने लिखा है कि यह उस आदमी के मस्तिष्क की परछाई थी जिसने उसकी कल्पना की, यानी जैसी अकबर ने कल्पना की वैसा का वैसा बनाया बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी को। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना 1605 से 1627। तो अकबर जो था इसने अपने जीवन काल में ही आगरा के निकट सिकंदरा में अपना मकबरा है उसका निर्माण स्टार्ट कर दिया था। शुरू अकबर ने किया, कंप्लीट या पूर्ण किसने कराया, जहांगीर ने। तो जहांगीर ने इसको कंप्लीट करवाया था। अकबर का जो मकबरा है भारत का एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसका मुख मक्का की ओर न होकर पूर्व दिशा की ओर है। बौद्ध शैली से प्रेरित है अकबर का मकबरा। स्वतंत्र मीनारों का पहला प्रयोग ये अकबर के मकबरे में हुआ है,
जैसे ताजमहल के चारों कोनों पे चार मीनारें हैं स्वतंत्र रूप से, ऐसी स्वतंत्र मीनारें सबसे पहले अकबर के मकबरे में यूज की गई। जाटों के नेता हुए राजा राम, इन्होंने अकबर के मकबरे को दो बार लूटा है। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग लगवाया था, इस शालीमार बाग को शाहजहां जो है इसने पूरा करवाया। अजमेर में दौलत बाग या सुभाष उद्यान लगवाया, तो इसी दौलत बाग के गुलाब के फूलों से नूरजहां की माता थी असमत बेगम, तो असमत बेगम के द्वारा आविष्कार किया गया किसका, इत्र का। तो इत्र का आविष्कार किया था असमत बेगम ने। नूरजहां का भाई हुआ है आसफ खान, तो आसफ खान ने डल झील के सामने, श्रीनगर में डल झील बहुत ही खूबसूरत, तो इसके सामने निषाद बाग लगवाया था। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग या एतमादू दौला का मकबरा बनवाया है आगरा के निकट। तो मुगल काल में पूरी तरह से संगमरमर की बनी यह पहली इमारत है। हुमायूं के मकबरे में केवल गुंबद गुंबद संगमरमर का था, बाकी इमारत लाल पत्थर की, लेकिन एतमादू दौला का जो मकबरा है ये मुगल काल में पूरी तरह से संगमरमर की बनी पहली इमारत है। पित्रादुरा का पहला प्रयोग मुगल काल के अंदर एतमादू दौला के मकबरे में हुआ है। तो पित्रादुरा का मतलब होता है सफेद संगमरमर पे रंगीन पत्थर की जड़ाई। जहांगीर ने भी अपने जीवन काल में लाहौर स्थित शाहदरा के दिलकुशा बगीचे में अपना मकबरा बनवाया, इसी में दफनाया गया है जहांगीर और नूर जहां को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत के बाहर है, किसका बाहर है, जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा है पाकिस्तान के लाहौर में। बाबर और बहादुर शाह इनकी मजारें स्थित हैं। बाबर की मजार है काबुल में, बहादुर शाह जफर की मजार है रंगून में। मकबरे नहीं है, मकबरे में केवल जहांगीर ऐसा है जिसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट आता है शाहजहां। तो शाहजहां के समय को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि जिस प्रकार से ऑगस्टस ने रोम को ईंटों से बना हुआ पाया, पत्थरों से बना हुआ छोड़ दिया, उसी प्रकार से शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर को संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था। शाहजहां ने सबसे पहले अकबर के द्वारा निर्मित आगरा दुर्ग के दीवाने आम को तुड़वाकर संगमरमर से बनवाया। तो शाहजहां ने संगमरमर के साथ पहली बार प्रयोग किया इस दीवाने आम में। इसके अलावा संगमरमर की मोती मस्जिद बनवाई आगरा दुर्ग में, तो यह इस दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है। इसके अलावा मच्छी मस्जिद, नगीना मस्जिद और मुसम्मन या शाहबुर्ज इसका निर्माण कराया। तो जो ये मुसम्मन या शाहबुर्ज है, इसी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या किया था, कैद किया था। इसी मुसम्मन या शाहबुर्ज में शाहजहां को कैद करके रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां की बेटी है जहांरा। जहांरा ने आगरा की जामा मस्जिद बनवाई थी, इसी मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद जहानुमा। दिल्ली की जामा मस्जिद यह बनवाई है शाहजहां ने। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद नगर का निर्माण स्टार्ट किया। इसी शाहजहानाबाद नगर के अंदर हमीद अहमद की देखरेख में दिल्ली का लाल किला बनवाया। अब दिल्ली के लाल किले में भी प्रमुख इमारतें दीवाने आम, तो दीवाने आम जो है इसमें बेबादल खां के द्वारा निर्मित तख्त ए ताउस या कौन सा सिंहासन रखा जाता था, मयूर, तो इसी में लगा था कोहिनूर हीरा और इसी को नादिर शाह लूट के ले गया था 1739 में। तो कोहिनूर हीरा जो है ये इसी तक ए ताउस या मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। इसके अलावा रंग महल बनवाया, दीवाने खास बनवाया। तो दीवाने खास जो है इसी के अंदर अमीर खुसरो की पंक्तियों को लिखा गया है, गर फिरदौस बर रुमे जमी अस्तय अमी अस्तय अमी अस्तय अमी अस्तय, अर्थात अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। 1631 में शाहजहां की पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल, इनकी मृत्यु हुई। इसी की स्मृति में आगरा के अंदर यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण प्रारंभ किया। कुल 22 साल लगे ताजमहल के निर्माण में, 9 करोड़ की लागत आई, मकराना के संगमरमर को यूज किया गया, तब जाके ताजमहल कंप्लीट हुआ। तो इसका प्रधान वास्तुकार यह था अहमद लाहौरी, और अहमद लाहौरी को शाहजहां ने उपाधि दी थी नादिर उल असरार।
यानी संसार के अद्वितीयों में भी अद्वितीय। प्रधान कारीगर इसका ईसा खां था, इसी में दफनाया गया मुमताज महल और शाहजहां को। तो ताजमहल एक प्रकार से मकबरा है, हेवेल है। इन्होंने ताजमहल को भारतीय नारी की एक साकार प्रतिमा का है, यानी मूर्ति कला से कनेक्ट किया था हेवेल ने ताजमहल को, कि एक मूर्ति है ये। इसके बाद में था औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसकी पत्नी थी रबिया उद दौरानी। तो 1689 में रबिया उद दौरानी की मृत्यु हुई। एकमात्र मुगल शासक है औरंगजेब जिसके केवल एक ही पत्नी थी, रबिया उद दौरानी। तो 1689 में इसकी मृत्यु हुई। इसी की स्मृति में औरंगजेब ने औरंगाबाद है महाराष्ट्र में इसका मकबरा बनवाया। तो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है इसी को बोलते हैं बीबी का मकबरा, दक्षिण भारत का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल। ऐसा नहीं है कि मकबरा खराब बनवाया है, लेकिन ताजमहल की नकल की गई और ताजमहल अपने आप में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, इसलिए बोल देते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल। बाकी बहुत अच्छा है रबिया दुरानी का मकबरा भी। औरंगजेब ने अपना खुद का मकबरा बनवाया खुलदाबाद महाराष्ट्र में। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद बनवाई। ये लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के एग्जाम में आया था। जो दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई और हरियाणा के अंदर कौन सा बाग लगवाया, पिंजौर बाग। तो ये था मुगल कालीन आर्किटेक्चर जो भी था इनका। इसके बाद आती है इनकी पेंटिंग, मुगलों की चित्रकला। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी लिखी गई है कौन सी लैंग्वेज में, तुर्की। इसका फारसी में अनुवाद ये कहलाता है बाबर नामा। तुर्की में तुजुके बाबरी, फारसी के अंदर जो इसका ट्रांसलेशन हुआ है उसको बोलते हैं बाबर नामा। तो बाबर ने बाबर नामा के अंदर एक चित्रकार के नाम का उल्लेख किया है। इस चित्रकार का नाम है बेहजाद या बयाजिद। तो बेहजाद या बयाजिद जो है इसको पूर्व का राफेल कहा गया है। राफेल जो था एक पुनर्जागरण का जो रिनेसा हुआ है यूरोप के अंदर उसका एक चित्रकार था। तो पूर्व का राफेल बोला गया है बेहजाद को। हुमायूं को पराजित कर दिया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ईरान रहा था, ईरान के शासक है तहमास्प, इनकी शरण में रहा। तो ईरान से जब इंडिया लौट रहा था हुमायूं, तब अपने साथ दो चित्रकारों को लाया, मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद। ये दो चित्रकार थे, इनको अपने साथ इंडिया लाया। मीर सैयद अली बेहजाद का शिष्य था। तो ये दोनों चित्रकार जो हैं, इन्होंने हुमायूं के समय एक ग्रंथ चित्रित करना शुरू किया। इस ग्रंथ का नाम था हमज नामा। ठीक है, अलाउद्दौला कजवीनी की पुस्तक है नफाइस उल मासीर। तो नफाइस उल मासीर में अलाउद्दौला कजवीनी ने हमज नामा को हुमायूं के मस्तिष्क की क्या कहा है, उपज। लेकिन हुमायूं जब दोबारा इंडिया का शासक बना तो उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। तो हमज नामा जो है इसका अधिकांश चित्रण जो है ये किसके शासनकाल में हुआ, अकबर के। अकबर के शासनकाल में अधिकांश चित्रण हुआ है इसका। अब हमज नामा का सब्जेक्ट क्या था, पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे हमजा। तो अरब देशों में इनकी शौर्यपूर्ण या वीरता की कथाएं प्रचलित थी, उनको लेनिन के कपड़े पे चित्रित किया गया। 100 चित्रों के 12 खंडों से कुल 1200 चित्र बनाए गए। हमज नामा जो है ये कंप्लीट हुई थी मीर सैयद अली के निर्देशन में। जो मीर सैयद अली था इसके निर्देशन में बनकर क्या हुई, कंप्लीट हुई। दूसरा चित्रकार था अब्दुल सम्मद। तो अकबर जो था इसने अब्दुल सम्मद को मुल्तान का दीवान बनाया। शाही टकसाल जो थी, टकसाल होती है जहां सिक्के बनते हैं, तो टकसाल का अधिकारी बनाया। और अब्दुल सम्मद ने चावल के दाने पर चौगान खेलते हुए एक व्यक्ति का चित्र बनाया। तो इस कारण से अकबर ने अब्दुल सम्मद को उपाधि प्रदान की, किसकी, शिरिकलम। यह भी फर्स्ट ग्रेड के जीके में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर के समय महाभारत को रज्मनामा के नाम से चित्रित किया गया।
रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, वर्तमान में जयपुर के सवाई मानसिंह संग्रहालय में रखी है। तो रज्मनामा जो है ये वर्तमान में जयपुर के सवाई मानसिंह संग्रहालय में है। तो रज्मनामा महाभारत का अनुवाद है। अकबर के समय जितने भी चित्रकार हैं सबने चित्र बनाए हैं रज्मनामा के, केवल एक चित्रकार को छोड़कर, किसको? फारूक बेग। फारूक बेग को छोड़कर अकबर के समकालीन सभी चित्रकारों ने रज्मनामा के चित्र बनाए हैं। दसवंत को अकबर के समय का सबसे अग्रणी या उभरता हुआ चित्रकार माना गया है। तो दसवंत के चित्र केवल और केवल रज्मनामा में मिलते हैं। बताते हैं कि बाद में दसवंत जो था मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और दसवंत ने क्या कर ली? आत्महत्या। रज्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा गया है। रज्मनामा अब्दुल समद का पुत्र था मोहम्मद शरीफ, तो मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में बनकर कंप्लीट हुई। बसावन ये अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना गया है। तो अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ये किसको मानते हैं? बसावन। बसावन जो था ये भू दृश्यों यानी जो नेचुरल पेंटिंग होती है पहाड़ों की, इनकी सबकी, व्यंग्य चित्रकारी और व्यक्तियों की छवि चित्रकारी में निपुण था। भूदृश्यों की चित्रकारी होती थी, व्यंग्य चित्रकारी, छवि चित्रकारी, इसमें निपुण था बसावन। तो बसावन ने जो चित्र बनाए हैं उनमें एक कृशकाय घोड़े के साथ जंगल में भटकते हुए मजनू का चित्र, यह बसावन का श्रेष्ठ चित्र माना गया है। मिशकिन था अकबर के समय, तो यह यूरोपीय शैली से प्रभावित चित्रकार था। अकबर के समय के जितने भी चित्रकार हैं उन सभी चित्रकारों में यूरोपियन शैली से सबसे अधिक प्रभावित चित्रकार था मिशकिन। फारूक बेग है, इसने अकबर के समय कपड़े की बजाय चित्रकारी शुरू की, किस पे? कागज पे। अकबर का स्टेटमेंट था कि मैं से प्रत्येक व्यक्ति को हे की दृष्टि से देखता हूं जो चित्रकारी से क्या करते हो? घृणा। देवीय अनुग्रह यानी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का माध्यम मानता था। इसके बाद है जहांगीर। तो जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। आगा रिजा खां था, यह अकबर के समय आया था ईरान से, आया अकबर के समय था, लेकिन जहांगीर के समय इसने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय चित्रकारों को क्या बोलते थे? उस्ताद बोलते थे। तो दो प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के समय, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अब उस्ताद मंसूर जो है ये पशु पक्षियों की चित्रकारी में निपुण था। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। मंसूर ने जो चित्र बनाए हैं उनमें साइबेरियन सारस और बंगाल के अनोखा पुष्प, ये दो चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दूसरा चित्रकार है अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्तियों की छवि चित्रकारी यानी पोर्ट्रेट बनाने में माहिर था। तो जहांगीर ने अबुल हसन को उपाधि दी नादिर उद जमा। अब अबुल हसन ने जो चित्र बनाए हैं उनमें ईसाई संत थे जॉन पॉल, एक तो इनका चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जहांगीर नामा का जो मुख पृष्ठ यानी जो कवर पेज था उसका चित्र, और जहांगीर नामा का जो मुख पृष्ठ है उसमें जहांगीर का राज्याभिषेक दिखाया है जो कहां पे हुआ था? आगरा में। आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ, तो जहांगीर के आगरा के राज्याभिषेक को दिखाया गया इसके मुख पृष्ठ या कवर पेज पे। इन दोनों चित्रकारों का एक संयुक्त चित्र मिला है। इस संयुक्त चित्र के अंदर एक गिलहरी है, इसको चिनार के पेड़ के निकट मटर के दाने खाते हुए दिखाया गया है। फारूक बेग था जहांगीर के समय, इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। अकबर के समय भी था फारूक बेग, जहांगीर के समय भी हुआ है। तो फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया है। जहांगीर ने बिशनदास नामक एक चित्रकार था, इसको भेजा था फारस, फारस यानी आधुनिक ईरान। तो फारस के राज परिवार का चित्र बनाने के लिए भेजा आलम खां के साथ, और बिशनदास फारस के राज परिवार का चित्र बना के लाया।
फारूक बेग का शिष्य था दौलत, तो दौलत ने अपने साथी चित्रकारों गोवर्धन, बिशनदास, अबुल हसन इन सबके क्या बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, और अपने खुद का चित्र भी बनाया था दौलत ने। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है जहांगीर नामा, सभी चित्रकारों के नाम लिखे, केवल बसावन के पुत्र मनोहर के नाम का क्या नहीं है लेख। परसी ब्राउन ने लिखा है कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा का क्या हो गया, पतन हो गया। जहांगीर का खुद का स्टेटमेंट था, खुद भी चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था जहांगीर। जहांगीर खुद कहता था कि मैं इतना ज्यादा निपुण या पारखी हो चुका हूं चित्रकला का कि कई चित्रकारों का बनाया हुआ एक चित्र मेरे पास लाया जाए तो मैं बता सकता हूं चित्र का अमुक भाग किस चित्रकार ने बनाया, यानी आंखें किसने बनाई हैं, हाथ किसने बनाए हैं, ये सब। शाहजहां को ज्यादा रुचि थी स्थापत्य में, फिर भी शाहजहां के समय आभा मंडल बनने लगे। औरंगजेब ने चित्रकला पे पूरी तरह से क्या लगा दिया, प्रतिबंध। तो ये था इनका स्थापत्य और इनकी चित्रकला। ओके okay.